इंग्लिश से ही हर चीज़ आजकल शुरू होती है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है कि साइंस के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश जो है हमारे को सबसे ज़्यादा आगे ले जाने के लिए एक माध्यम है। अगर मैं नौकरी करूं तो मुझे इंग्लिश चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे सारे काम तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारे हर काम गवर्नमेंट का हो, पब्लिक सेक्टर में चले जाओ आप, सब जगह आप देखोगे इंग्लिश में ही काम होता है। हर तरीके से मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं छोटा सा भी एक वर्ड बोलूं। मैं जानती हूँ कि बच्चा जानता है कि रीडिंग का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं उनको यही कहती हूँ कि आप इसको इंग्लिश में ही बात करो। दो दो बच्चों को खड़ा करके और इनको कहती हूँ कि अब आप आपस में कन्वर्सेशन करो। जहाँ आपको वर्ड नहीं आएगा मैं बताऊँगी। जहाँ तक सवाल है कि हमको कुछ सीखना है और सिखाना है, मैं भी सीख कर ही सिखाऊंगी बेटा, है ना। तो मैं हर सूरत यही कोशिश करती हूँ कि आज कुछ ना कुछ बच्चे को मुझे नया सिखाना है। पेरेंट्स जो हैं वो ये तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है इंग्लिश बोले, इंग्लिश सीखे, इंग्लिश में काम करे, मगर जैसे ही बच्चा हमारे हाथों से निकलता है, जब ओवर स्कूल होता है उनका और वो घर पहुंचते हैं, एज इट इज़ जो उनका एनवायरनमेंट जैसा होता है वो उसी में आ जाते हैं। माँ बाप पढ़े लिखे होते हुए भी माँ बाप नहीं बोलते, नहीं पढ़ा हुआ वो तो मैं समझती हूँ, वो समझ तो जाते हैं बच्चों की चीज़ लैंग्वेज को, वो काम को समझ लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, बट वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मेरा बच्चा जो है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल में आते हैं, वो हमारा बच्चा तो इंग्लिश बोलता ही नहीं है, क्योंकि उनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता।